बेगूसराय में शनिवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय वामपुर और हबीब में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सिंह ने कहा कि बूथ लेवल पर 3 दिन का कार्यक्रम चलाया जाएगा और उन्होंने फाइलेरिया से सजग रहने को कहा ताकि इस रोग का उन्मूलन किया जा सके। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर स्कूल जाकर बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगी, जबकि शहरी क्षेत्र में ICDS अंतर्गत काम करने वाली आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए सभी आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक लोगों को माइक्रो प्लान के अनुसार फाइलेरिया की दवा विद्यालयों पर खिलाई जाएगी, तत्पश्चात 14 दिनों तक घर घर घूमकर आशा के द्वारा खिलाया जाएगा। मौके पर प्रधानाध्यापक राजेश कुमार और शिक्षक क्रांति राय, दीपक कुमार, प्रबंधक सुरेंद्र कुमार, BCM रतन कुमार, फार्मासिस्ट प्रभात कुमार, आशा फैसिलिटेटर नूतन कुमारी, प्रमिला गायत्री आदि मौजूद रहेंगे।